हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम लोग बैठे हैं राजगुरु नगर में, जो वाड़ा भीमाशंकर रोड है, जहाँ पे एक मंदिर है, पूरे पर्वत पे स्थित है। अभी हम लोग स्टेप चढ़ के जाने वाले हैं। हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम लोग इस पर फर्स्ट आया है एक्सपीरियंस है इसका। पिछले बार हम लोग जब भीमाशंकर को गए थे यहाँ से, तब रात आते वक्त रात के 7-8 बज गए थे, तो हम लोग ऊपर नहीं गए थे क्योंकि आधे घंटे का ट्रेकिंग है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग अभी आए दोपहर के 2 बजे, अभी हम लोग चढ़ने वाले, आधा आधा पौना घंटा का ट्रेक है पूरा। पर्वत के ऊपर महादेव जी का मंदिर स्थित है, ये राजगुरु भीमाशंकर वाड़ा रोड पे है, बुरसेवाड़ी बोल के गाँव है, वहाँ पे ये मंदिर है, शिव शंभु महादेव मंदिर। तो हम लोग अभी ऊपर जाने वाले हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, फर्स्ट ट्रेक है अपना, देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस, भी आपको बताते हैं, वीडियो में भी आपको आप लोगों को हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे। तो चलो चलते। तो गाइज ये हाईवे है, यहाँ पे यहाँ से सीधा भीमाशंकर जाते हैं और पीछे राजगुरु नगर है। आपको यहाँ आते हो अपना अपने काम की चीजें सब आपको साथ लानी पड़ेंगी, पानी बॉटल वगैरह सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह नहीं है। और ये है शिव शंभु महादेव मंदिर, आप देख सकते हो। यहाँ से स्टेप चढ़ के पूरा ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा ये पर्वत है, यहाँ पे हम लोग अभी ट्रेक करने वाले और ऊपर जाने वाले। तो चलिए गाइज, आप लोग भी हमारे साथ चलिए और देखिए वीडियो में। चलो गाइज, अभी अपनी ट्रेकिंग अपन स्टार्ट करते हैं। स्टेप काउंट करते करते चलेंगे, देखते हैं कितना स्टेप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 60 स्टेप कंप्लीटेड गाइस, 60 स्टेप कंप्लीटेड हो चुके हैं। 60 स्टेप में अभी तो हम लोग सांस फूलने लग गई, अभी और बहुत दूर है। सेवनटीन, अरे बाप रे गाइस, यहाँ से स्टेप खत्म हो गई। अभी कच्चा मिट्टी का रोड है, अभी वो छोड़ के हम लोग जाने वाले। मैंने शूज नहीं पहने, कोल्हापुरी चप्पल पहनी है, तो चलने में बहुत दिक्कत हो रही है ट्रेकिंग में। तो गाइज 100 स्टेप कंप्लीट किए हैं, अभी हमारी सांस फूल रही है, तो हम लोग 5 मिनट के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, पूरा ट्रैक कंप्लीट करके। पहले कुछ 70 स्टेप तक अच्छे खासे स्टेप थे, उसके बाद पूरा मिट्टी का रोड है, पत्थर वत्थर सब है ट्रैकिंग के लिए। अभी सांस फूल रही है, इसलिए हम लोग 5 मिनट के लिए यहाँ पे बैठे हैं, 5 मिनट बैठ के और आगे है, फिर और आगे निकलने वाले। हर हर महादेव। तो गाइज आप देख सकते हैं ट्रेकिंग तो बहुत जोर से चल रही है, रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत दूर आ चुके हैं, अभी पिछले आधे घंटे से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरी वाइफ आप है पीछे, बहुत थक रही है, तो धीरे धीरे चल रही है। गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत टाइम पास कर रही है, बार बार नीचे बैठ रही है, चल नहीं रही है फास्ट, तो बहुत टाइम लग रहा है जाने में, इसकी वजह से मुझे भी रुकना पड़ रहा है बार बार। ये जिम भी नहीं जाती, कुछ एक्सरसाइज नहीं करती, इसलिए जल्दी थक जाती है, बैठ जाती है नीचे। मैं चल रहा हूँ लेकिन इसकी वजह से मुझे भी वेट करना पड़ रहा है, बार बार रुकना पड़ रहा है। देख रहे हो आप, पूरा धूप लग रहा है, तो पूरा दुपट्टा ओढ़ के चल रही है धूप के, धूप से बचने के लिए। अरे चल चल, बैठ गई, देखो क्या हुआ, क्या हुआ,
अरे चल कुछ नहीं, 10 मिनट और रे, बाद में आ जाएगा, चल चल ना, चल चल 5 मिनट और। गाइस इसलिए कहता हूँ लाइफ में फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे हो इस बंदी को कैसी चल रही है। क्या करेंगे, फिटनेस ही नहीं है ना। कभी जिम नहीं जाती, कभी एक्सरसाइज नहीं करती, खाली खाती है बैठती है। देखो कैसे हो गया अभी। गुड, नाइस शॉट। चल पिछले पौना घंटा से चल रहे ट्रेकिंग कर रहे हैं, लेकिन रास्ता है जो खत्म ही नहीं हो रहा है और मंदिर है जो नहीं आ रहा है। यार इमेजिन कर रहा हूँ मैं, इतने से ट्रेकिंग से हम लोग थक गए हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि महाकाल जो केदारनाथ का ट्रेकिंग है वो तो 25 से 27 किलोमीटर का ट्रेकिंग है, वो कितना खतरनाक होगा। हम लोग तो गाइस वो कर ही नहीं पाएंगे। देखो हवाई फिर से पीछे से गायब हो गई, देख रहे हो आप वहां पे, चल क्या रही है। देखो चल चल, कम ऑन कम ऑन, आज तो ये ट्रेकिंग अपने को कंप्लीट करना ही है, आ जा। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड, अभी हम लोग आ गए मंदिर के पास में, देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मंदिर का वैशिष्ट्य ये है, यहाँ पर 4 नंदी है, एक महादेव जी की पिंड है और ये स्वयंभू महादेव मंदिर है। आप देख सकते हैं अंदर भगवान शंकर जी का और पार्वती माता का बहुत सुंदर ऐसी मूर्ति है इसमें। गाइस ये मंदिर इतने ऊपर स्थित है पर्वत पे, यहाँ पे आने के लिए पूरा ट्रेकिंग करके आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक बाबा रहते हैं जो बरसों से यहाँ पे रहते हैं और इस मंदिर की सेवा करते हैं। हम लोग उनसे भी बात करने वाले हैं, पहले आपको मैं ये मंदिर दिखा देता हूँ पूरा, फिर हम लोग उनसे जाके बात करेंगे, वो हमें मंदिर के बारे में छोटे सा समझाएंगे, मंदिर का इतिहास हमें बताएंगे, सब कुछ हमें समझाएंगे। मंदिर तो बहुत बड़ा है, पर्वत के ऊपर इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है और हम देख सकते हैं मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा बहुत पुराना है। इस मंदिर की बहुत ज्यादा विख्यात है, यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इतना ज्यादा ट्रेकिंग है, इतना ऊपर है, फिर भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आज बोल लो तो ये यहाँ पे जो बाबा है जो हमें मंदिर का इतिहास बताने वाले, वो पूरे मराठी में बात करेंगे, तो आप उनसे समझ लो ये मंदिर का क्या इतिहास है, इतने ऊपर पर्वत के ऊपर क्यों स्थित है और यहाँ पे क्या होता है। तो चलो उन्हीं से हम लोग सुनते हैं। बाबा बताइए आप। या मंदिराची कहानी अशी आहे, एक पिंड 4 लिंग 4 नंदी स्वयंभू महादेव रान जनावराच्या रूपात पोखरीहून राजेवाडीहून भीमाशंकरला गुप्त झालं आणि गुप्त होऊन ते निघालं बोरगिरला, बोरगिरला पर गुप्त झालं, तिथं कोटेश्वर म्हणलं जात बरोबर, तिथून भीमाशंकर वाडा जुन वाडा गाव तिथं निघालं ते जाणवर, त्या 4 माणसांनी पाहिलं, त्या माणसांचे पुतळे आहेत तिथं आतमध्ये आतमध्ये रान जाणवरच्या रूपात घेतलेले, ते रान जाणवर सुद्धा आहे आणि भीमाशंकरला निघाल्यावरती त्या माणसांनी पाहिलं, तिथून परत ते माणसाला पाहिल्यावरती गुप्त झालं। बीबी गावच शंभू डोंगर, हा शंभू डोंगर, हा शंभू डोंगर, त्या शंभू डोंगरावरती ते गुप्त झालं, गुप्त झालं, त्या 4 माणसांनी
एक महिना इथे रखलदारी केली पण ते जनावर कुठंच निघाल नाही. ते जनावर कुठंच निघालं नाही. तर शेवट त्यांनी हे इथे जंगल होत, जाळ्या होत्या, ते सगळं तोडलं. तोडून खोदकाम केलं. त्यावेळेला एक पिंड, चार लिंग, चार नंदी हे स्वयंभू आहेत. म्हणजे जमिनीतून उत्खनन केल्यावर ते बाहेर निघालेले. हा, त्याचा जीर्णोद्धार राणी अहिल्याबाई होळकरनी 1806 साली हे चारी बाजूचं काम हे सगळं त्यांनी केलंय. ओके, म्हणजे आणि अहिल्याबाई होळकरांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे. पाची पांडवांनी तो गाभारा बांधलेला आहे, तो आतला आतला. तुम्ही आतमध्ये गेलते का? हो, मी आता दर्शन घेऊन आलो आतमध्ये. आतमध्ये ते काम बघितलं का? नक्षीकाम ना, दगडावर. दगडावर संपूर्ण पाषाणात येते. ते काय सिमेंट वाळू नाही किंवा काय नाही, चुना कात अशा ते दगडी बसवलेले आहेत. त्याच्यावरती 1964 साली ह्या कळसावर वीज पडली. त्या कळसावर वीज पडल्यावरती तो संपूर्ण कळस खाली चौथऱ्यापर्यंत आला. आता हा नवीन कळस बांधलेला आहे. पण पाची पांडवांनी जे काम केलं होते ते तसं तसं आहे. तो गाईज, ट्रेकिंग आपण कंप्लीट हो चुका है. आपने दर्शन भी लिया, बाबा से अच्छे अच्छी बातें भी सुनी, मंदिर भी देखा. अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं पर्वत से. तो अभी ये व्लॉग हम लोग यही खत्म करने वाले हैं. तो गाइज, मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में. तो गाइज, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिए. तो गाइज, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.